हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और हमारा आज का ये वीडियो होने वाला कोस्क्रू ट्यूटोरियल पर। जिस किसी को भी कोस्क्रू सीखना है इस वीडियो पर जरूर बने रहना और लास्ट तक वीडियो देखना, पूरा बेसिक बताऊंगा। लेट्स गो। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा कि एक कोस्क्रू दिखता कैसे, फिर भी मैं एक प्रॉपर कोस्क्रू करके दिखाता हूँ। कोस्क्रू एक एडवांस लेवल ट्रिकिंग मूव है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको सीखने से पहले आपको एक अच्छा चीट गेनर और एक बी ट्विस्ट कर लो तो अच्छा है। अगर बी ट्विस्ट, अगर आप एक प्रॉपर बी ट्विस्ट नहीं सीखे हो तो आप ट्राई करना कि उसका जो ट्विस्टिंग मोशन है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप कोस्क्रू कर सकते हो। आप लोग चीट गेनर और बी ट्विस्ट कर चुके हो तो आप लोगों के लिए अभी कोस्क्रू इजी होएगा, उतना हार्ड नहीं होएगा। तो अभी मैं आप लोगों को करके बताता हूँ कि चीट गेनर में आपको करना क्या है। कि चीट गेनर करना देन उसमें आपको बी ट्विस्ट का ट्विस्टिंग मोशन को ऐड करना है। तो मैं करके बताता हूँ कि वो कैसे होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कोस्क्रू से ही सिमिलर है, लाइक उसी तरह से दिख रहा है। अगर आप उसे अच्छा से ड्रिल करते हो और प्रैक्टिस करते हो तो देन मेरे को लगता है कि आप लोग लैंडिंग तो कर ही सकते हो। लग मैं करके बताता हूँ। अगर आप ये कर लिए हो तो अभी आपको करना क्या है कि आपका चीट गेनर और आपका ट्विस्टिंग मोशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको रेगुलर ड्रिल और अच्छा से प्रैक्टिस करना है और ट्राई करना कि हर एक अटेम्प्ट को अपना जितना हो सके उतना पावर से करो और अच्छा से स्ट्रेंथ लगाओ। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पूरा पावर एंड स्ट्रेंथ लगा करते हो, लाइक एक चीट गनर पर भी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, देन ट्विस्टिंग मोशन पर भी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, अपना पूरा पावर दिखा रहे हो, तो एक वैसा कोस्क्रू कैसे दिखता है मैं करके बताता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ ताकि आप एक क्लीन और एक स्ट्रॉन्ग कोस्क्रू कर पाओ। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर ट्रिकर्स को एक कोस्क्रू सीखने के बाद स्विच गेनर देन स्विच एसटी कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं करके बताता हूँ कि वो करना कैसे है। टिप नंबर वन, तो हम लोग कोस्क्रू सीखते टाइम ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि हमारा किक जो है वो सीधा फेंकने के बदले हम लोग साइड करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ट्रिकर्स के माइंड में यही होता है कि किक साइड फेंकने से हम जल्दी से ट्विस्ट करते हैं, जल्दी से ट्विस्ट हो जाता हमारा और लैंडिंग आ जाता। बट ऐसा नहीं है, साइड किक करने से हमारा हाइट भी घटता है और हमारा एक प्रॉपर लैंडिंग भी नहीं आता है। तो कोस्क्रू में होता है कि हमारा दोनों लेगों का अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। एक है स्विंग लेग और एक है प्लांट लेग। तो हमें करना क्या है, हमारा जो स्विंग लेग है वो तो सीधा रहेगा ही, और हमारा जो प्लांट लेग है जब तक वो टेक ऑफ ना ले ले, एक अच्छा हाइट ना बना ले, तब तक हमें ट्विस्ट नहीं करना है। तो अभी हमें करना कैसा है कि एक चीट गेनर करेंगे, अच्छा से सीधा पैर किक करके और हमारा जो प्लांट लेग है उसे हाइट बनाएंगे, देन हमें ट्विस्ट करना है। तभी मैं करके बताता हूँ। टिप नंबर दो, तो ये टिप उन ट्रिकर के लिए है जो कि ऑलरेडी कोस्क्रू कर चुके हैं और कोस्क्रू से अदर ट्रिक्स कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और स्विंग्स नहीं निकाल पाते हैं। तभी मैं करके बताता हूँ कि वो कैसे करना है। तो अभी जो मैं बताता हूँ वो ध्यान से सुनिए। तो हम लोग कोस्क्रू सीखते टाइम करते क्या हैं कि हम चीट गेनर का यूज़ करके एक कोस्क्रू सीखते हैं, बट टाइम के हिसाब से हमारा जो कोस्क्रू है उसे भी हम अपग्रेड करते हैं ताकि वो जब बाद में हम लोग कोस्क्रू करें वो फ्लैश गेनर से करें। तो एक चीट गेनर और एक फ्लैश गेनर का डिफरेंस क्या है मैं अभी आप लोगों को करके बताता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीट गेनर करके बताता हूँ जिसमें हम लोग कोस्क्रू सीखते हैं, और उसमें डिफरेंस यही होता है कि हम लोग किक सीधे ही फेंकते हैं बट हमारा जो लैंडिंग है वो एरियल की तरह होता है। तो मैं एक चिड़गेनर करके बताता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को फ्लैश गेनर कैसे करना है वो बताता हूँ। तो फ्लैश गेनर होता है क्या है, एक बैटरी भी होता है उसमें हम पैर स्विंग करते हैं और फ्लैश किक की तरह लैंडिंग करते हैं। तो अभी ये क्या करेंगे, अभी हम एक पैर को किक करेंगे और एक फ्लैश गेनर करते हैं। तो चीट गेनर में कोस्क्रू होता क्या है करके बताता हूँ। चीट गेनर में देख सकते हो कि हमारा जो
किक है वो साइड जा रहा है, वही चीज अगर हम फेस गेनर के साथ करते हैं पोस्ट क्रू, देख सकते हो किस तरह से स्विंग गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप ये दो टिप हमेशा अपने दिमाग में रखें ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग और एक क्लीन पोस्ट क्रू कर पाओ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और पोस्ट क्रू सीखने वाले आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना। बाय बाय।